इस वक्त देश की सबसे बड़ी बहस है नोटबंदी को लेके। कई लोग तारीफ कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं और कई आलोचना भी। सबसे बड़ा सवाल ये, नोट तो बदल गए, क्या बदलेगा इंडिया? स्वागत है हमारे तीनों मेहमानों का। शुरुआत करते हैं मंत्री जी से। पीयूष जी, नोट तो बदल गए, लेकिन सभी लोगों के जहन में जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये कि जिस तरह का भ्रष्टाचार, जिस तरह का काला धन नोटबंदी से पहले हिंदुस्तान में रहा करता था, क्या गारंटी है कि 2 महीने बाद, 12 महीने बाद या 2 साल बाद स्थिति वहीं पर नहीं आ जाएगी जहां से हम लोगों ने शुरुआत की? हम तो सड़क पे भी चलते हैं तो कोई गारंटी नहीं है कल क्या होगा, लेकिन आप व्यवस्था बनाते हैं, सुविधाएं बनाते हैं और पूरी कोशिश रहती है कि सबको सेफ्टी सिक्योरिटी मिले। इसी तरीके से जब नोटबंदी का और वास्तव में नोट बदली वुड बी द मोर अप्रोप्रिएट वर्ड, पर जब नोट बदलने का या पुराने नोट को कैंसिल करने का निर्णय लिया गया, तब लक्ष्य बहुत साफ था। लक्ष्य में कई पहलू थे, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई हो, आतंकवाद में जो जाली नोट लगते हैं उसके खिलाफ लड़ाई हो, काला धन जो कई जगह पे रुपए में छुपाया हुआ रहता था उसके खिलाफ लड़ाई हो, और इसके कॉन्कमिटेंट उसके बाकी इसके अलावा बहुत सारे और फायदे जो अभी तक शायद लोगों के जहन में नहीं आए हैं, उस पर चर्चा पूरी तरीके से नहीं हुई है। उदाहरण के लिए आप अगर अनऑर्गेनाइज लेबर को देख लीजिए, अनऑर्गेनाइज लेबर को सालों साल इस देश में न्यूनतम तनख्वाहें नहीं मिली हैं। अभी अभी हमारी सरकार ने 42% मिनिमम वेजेस को बढ़ाया है, लेकिन अभी भी कई ऐसे चाय के बगान हैं, केरल में कॉफी प्लांटेशंस हैं, वेस्ट बंगाल में काफी इंडस्ट्रीज हैं और कॉन्ट्रैक्ट लेबर हैं जो इंसिस्ट करते हैं कि हम कैश में ही देंगे। अब कैश में देने का मतलब क्या है? बैंक से क्यों नहीं दे जा सकती है, जिससे रिकॉर्ड बने कि पूरी तनख्वाह मिली, ESI का बेनिफिट, हेल्थ बेनिफिट, सोशल सिक्योरिटी PF के माध्यम से अलग अलग बेनिफिट से हम क्यों वंचित रखना चाहते हैं समाज के एक बहुत बड़े वर्ग को? हमने रिपोर्ट पढ़ी, आज ही राजस्व सचिव का बयान आया अखबारों में, जिसमें उन्होंने कहा कि जितनी करेंसी बाजार में पहले थी संभवतः उतनी ही करेंसी 30 दिसंबर तक जो आपका ट्रेजरी है उसमें वापस आ जाएगी। सर, सरकार को तो ये उम्मीद थी कि 3 लाख 4 लाख करोड़ नहीं आएंगे, डिविडेंड मिलेगा, सबके अकाउंट में पैसा जाएगा, बहुत फायदा होगा या वो पैसा खर्च होगा। अगर सारी की सारी जो ब्लैक मनी है वो बैंक में आ गई व्हाइट मनी बन के, तो सर देश की ब्लैक मनी कहाँ गई? आप भूल रहे हैं कि देश में कानून व्यवस्था है और टैक्स के लॉज हैं। उल्टे ये सब पैसा अगर बैंकों में आ जाता है तो मैं समझता हूँ इससे ज्यादा बढ़िया क्या है। आखिर ये सब पैसा इनफॉर्मल इकोनॉमी से फॉर्मल इकोनॉमी आएगा। जिसका पैसा बेईमानी का है अगर वो बैंक में डालेगा तो उसके ऊपर टैक्स। आपने कहा कोई दिक्कत नहीं, दोनों मोहम्मद सलीम साहब ने और RBI ने अपनी माइक उठा ली, माइक आपकी तरफ फेंक नहीं रहे, सिर्फ उठा रहे हैं ये कहने के लिए कि नहीं ऐसा आप ना सोचिए कि लोगों को दिक्कत। जनार्दन रेड्डी का ईमानदारी का पैसा था, 500 करोड़ का शादी करवाए, और आज उनके अफसर जब काला को सादा कर रहे थे तो उनके ड्राइवर जो है वो आत्महत्या किए। जनार्दन रेड्डी हमारी पार्टी में नहीं है आपकी जानकारी के लिए। अच्छी बात है, अक्सर लोग पकड़े जाते हैं तो वो पार्टी पहले से ही नहीं, आपको शायद कुछ अभी हो रही है। आप देखो, आपने कहा था कि देश की सूरत बदलेंगे, आप अभी कह रहे हैं नोट बदल दिए, ठीक है, और नोट बदलने से सूरत बदल जाएगा। तो आप आए थे BJP पोल्ड इटसेल्फ एज अ चेंजर, गेम चेंजर, अभी हो गया वो मनी एक्सचेंजर हो गए हैं और वो मनी एक्सचेंजर की काम कर रहे हैं, और इससे वो कहते हैं कि चलो बाकी सब बदल जाएगा। लेकिन ये जो कहना कि सब धन जो था वो आ गया सिस्टम में, नहीं, ये डिपॉजिट्स है जिनका गाढ़े कमाई का बिजनेस का कारोबार का पैसा है, वो तो उसका वापस उगाएगा, वो तो सरकार दिखा रही है 1 लाख करोड़ 1 लाख करोड़। आपने सही कहा कि हकीकत में क्या हुआ, बेशक काला धन के खिलाफ आप कार्रवाई करो, हम समर्थन करते हैं शुरू से, आजादी के पहले से हम कह रहे हैं काला धन के खिलाफ, लेकिन आप ये कहे जो कर रहे हैं उसका मतलब है खोदा पहाड़ निकला चूहा। आप कह रहे हैं कि खोदा पहाड़ निकला चूहा, और विपक्ष ये कहता है RPN कि अगर सारा पैसा बैंक में वापस आ गया तो सरकार की स्कीम फेल, लेकिन पीयूष गोयल सरकार के बचाव में कह रहे हैं कि नहीं, ये सोच ही गलत है, क्योंकि अगर सारा पैसा वापस आ गया मतलब जो पहले काला धन था अब कम से कम वो इकोनॉमी में घुसा तो सही, अब कम से कम वो उस पर टैक्स लगेगा, अब वो व्हाइट इनकम हो गई है। देखिए, इनका जो भ्रामक प्रचार रहा है, सब पहले आपके आज तक के चैनल के माध्यम से मैं देश को बताना चाहता हूं कि इन्होंने भ्रामक प्रचार किया कि कांग्रेस
काला धन के खिलाफ है, मीनिंग उसके उसके जितने कानून बन रहे हैं उसके खिलाफ है। हमने इनको पहले दिन से कहा है काले धन को रोकने के लिए जो जो कानून आप बताएंगे उसके लिए हम आपका साथ देंगे। परंतु ये जो नोटबंदी आपने किया, विमुद्रीकरण किया, इसके साफ तौर से ये नतीजे आए हैं कि जितना आपने इसमें कोई सोची आपकी नहीं थी। पहले दिन जिस काला धन बंद हुआ 8 तारीख को, तो लोगों को लगा कि 4 लाख करोड़, 8 लाख करोड़ वापस आएगा ही नहीं बैंक में। अब जब बैंक में आ रहा है, मुझे तो डर राहुल जी ये है कि 14 लाख करोड़ आना था, कहीं 15 लाख करोड़ नहीं आ जाए तो जितना काउंटरफीट पैसा था तब सरकार क्या जवाब देगी। दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूँ राहुल जी को, नहीं एक चीज मैं समाप्त कर दूं, एक जानकारी होगी फेक नोट्स के बारे में, मुझे तो इतनी जानकारी नहीं है फेक नोट्स के लिए, लेकिन लेकिन अगर वो फेक नोट्स वंस एंड फॉर ऑल डेड हो जाते हैं तो देश हित में है कि नहीं? तो इसका मतलब अगर बैंक में भी आ जाते हैं तो ठीक है, बैंक में आने का तो सवाल नहीं है। अरे अगर 14 लाख से जैसे ज्यादा पैसे आ गए तो उसका जवाब तो आपके पास होगा नहीं। दूसरी चीज मैंने कहा है, जो माननीय मंत्री जी ने कहा कि किसी को दिक्कत नहीं, मैं समझ सकता हूं, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण ये आपका स्टेटमेंट है कि केंद्र का मंत्री कहता है कि कोई भी दिक्कत इस देश में नहीं। 80 से ज्यादा लोग लाइन में मर गए, किसान गरीब आम आदमी मर रहा है, और आप कुर्बानी देने की बात करते हैं, काला धन बंद करने की बात करते हैं। कुर्बानी अमीर आदमी नहीं देगा, कुर्बानी लाइनों में गरीब आम किसान अपना कुर्बानी देकर काले धन की बात जो आप करते हैं, अफसोस की बात है कि अफसोस की बात है पीयूष जी कि जो लोग आज किसान, आपको मालूम है कुशीनगर जनपद पडरौना में आज किसान गोभी कितने दाम का बेचता है, 1 रुपए किलो का दाम बेचता है, उसकी क्या परेशानी है, धान का क्या दाम, किस दाम पे धान बेच रहा है, किसान किस तरह कैसे पैसा कर रहा है। और जो लोग लाइन में मर रहे हैं वो कोई बड़ा आदमी नहीं मर रहा है, इस देश का गरीब आम आदमी। और वो प्रधानमंत्री जी ने बोला था छोटे लोगों की छोटी परेशानियां, सबसे बड़े परेशानी अगर किसी की है तो छोटे आदमी की परेशानी है, उसको जान तक गंवाना पड़ रहा है। और आप बोलते हैं कि तकलीफ नहीं है, जहां तक अर्थशास्त्र की बात हुई, आपने सम कहा अर्थशास्त्र में पॉल क्रूगमन साहब जो इकोनॉमिस्ट हैं, जो अर्थशास्त्र के लिए उनको नोबेल प्राइज मिला, तो इन्होंने कहा कि उनकी सब बातें सही नहीं हो सकती, एनीवे वो तो विदेशी हैं, तो क्यों, जो मेक इन इंडिया है अमर्त्या सेन, वो भी नोबेल प्राइज पाए हैं, किसके लिए, अर्थशास्त्र के लिए, तो उनको तो देशद्रोही हो सकते हैं शायद क्योंकि क्वेश्चन कर रहे हैं। उसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हैं जो RBI के गवर्नर रहे, जो फाइनेंस मिनिस्टर रहे, जिसने इस इकोनॉमी, देश की इकोनॉमी को बदलने का काम किया, वो भी झूठ बोल रहे हैं। जो जो विश्व के अर्थशास्त्र हैं, जो विश्व के अर्थशास्त्र हैं, वो कहते हैं ये गलत काम कदम है। परंतु आप अपने कैबिनेट में बताते मुझे माननीय मंत्री जी, समर्थन किया खली ने, समर्थन किया, मैं खली की बात नहीं करें, जो अर्थशास्त्र हैं, विश्व के अर्थशास्त्र हैं, आपके कैबिनेट में वो कौन इस ऐसे विश्व ख्याति व्यक्ति हैं जिन्होंने इस मुकाम पर देश को पहुंचा दिया कि पूरा देश आज हाहाकार गांव में कर रहा है। सवाल का जवाब दीजिए, क्योंकि सबसे पहले एक जरा उनको ठीक कर दूं उनकी इस सोच को, मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि कोई परेशान नहीं है, मैंने कहा अगर पूरा पैसा आ जाए तो उसमें कोई हम परेशान नहीं है। आई थिंक आपने शायद सवाल का जवाब ठीक से सुना नहीं अपने एंथुजियाज्म में, लेकिन ज्यादा आप ये तो बताएंगे कि आपने कहा सब काला जो फेक करेंसी है नोट वो सिस्टम में चलाया तो फिर समस्या समाधान हो गया। अरे अब 2000 रुपए का भी नकल निकलना शुरू हो गया, जो सिस्टम अगर आप सिस्टम को इम्प्रूव नहीं करेंगे सिस्टम में वो मनी डेड हो गया भाई साहब। जो काउंटरफिट करेंसी बनाते हैं वो फिर बनाते रहेंगे। और मैं आपसे ये पूछता हूँ कि विदेशी अर्थशास्त्रियों की बात की, हिंदुस्तान के बड़े अर्थशास्त्रियों की, RPN ने बात की, हकीकत यह है कि कई सारे अर्थशास्त्रियों का यह मानना है कि अगर दुनिया की सबसे तीव्र गति से ग्रो कर रही आपकी इकोनॉमी हो तो उसमें कोई चक्का जाम नहीं लगाता, उसमें ब्रेक नहीं कोई लगाता। तो सवाल यह है कि इतनी स्पीड से ग्रो करने वाली इकोनॉमी में मनमोहन सिंह कहते हैं कि GDP 2% गिरेगी, एम्बिट कैपिटल ने कहा कि 3.3% गिरेगी, मतलब बहुत तेजी से चीजें बदल रही थी, उसमें दुनिया लोग इकोनॉमिक्स का कहना है कि किसी भी दुनिया की इकोनॉमी में इस तरह का प्रयोग नहीं हुआ, इस तरह की मॉडलिंग तो कहीं पे वो प्रैक्टिस में भी नहीं करते हैं, थ्योरी में भी नहीं करते हैं, क्लासरूम में भी नहीं करते, हकीकत तो दूर। शायद ऐसी कोई दुनिया में इकोनॉमी नहीं है जो इतनी तेजी से ग्रो कर रही है जिसमें 13% GDP का कैश में होता है, जिसमें आप जिस बाजार में चले जाएं उसमें एक ईमानदार व्यापार होता है, एक व्यापार में बिना बिल के कारोबार होता है। बहुत कम इकोनॉमीज हैं दुनिया की जहां पे, जैसा मैंने पहले कहा कि
इतने बड़े मात्रा में भ्रष्टाचार के किस्से आते हैं। अब अभी अभी उन्होंने बहुत बड़े अर्थशास्त्री का जिक्र किया, पूर्व प्रधानमंत्री, हम सब उनका सम्मान करते हैं, लेकिन उनकी बातों से तो मैं बड़ा हैरान था। एक तरफ वो कहते हैं कि GDP 2% गिर जाएगी, अगर जो पैसा इनफॉर्मल इकोनॉमी से फॉर्मल बैंकिंग चैनल्स में आता है तो स्वाभाविक है कि इकोनॉमी को तो पुशअप मिलेगा, GDP तो सुधरेगी उससे। उन्होंने ये भी बात कही कि इन द लॉन्ग रन वी आर ऑल डेड, जॉन कीन्स को कोट करते हुए। वैसे उसको समझने के लिए हमें कीन्स की जरूरत नहीं हो, तो भगवत गीता और कुरान में भी लिखा हुआ है इन द लॉन्ग रन वी आर ऑल इन एनी केस। परंतु कीन्स ने यह भी कहा था, जब परिवर्तन होता है तो मैं परिवर्तन के साथ बदलता हूं, आप क्या करते हैं? और उससे मुझे खुशीनगर का एक गौतम बुद्ध ने वहां पे निर्वाण लिया था, गौतम बुद्ध का कहा हुआ एक ध्यान आता है कि परिवर्तन कभी भी पीड़ादायक नहीं होता है, परिवर्तन का विरोध करने वालों से पीड़ा होती है। एक प्रकार से जब परिवर्तन होता है तो उसमें स्वाभाविक है कि कुछ ना कुछ समय के लिए कुछ तकलीफें आएंगी, उन तकलीफों के साथ हमें चलना पड़ेगा, उसको सुधार करने के लिए समस्याओं का सोल्यूशन ढूंढने पड़ेंगे। लेकिन परिवर्तन से डर के अगर हम चेंज ही नहीं करें और एक पुरानी आई चलती हुई व्यवस्था के साथ ही रहे, तो मैं समझता हूं देश में सुधार, देश की अर्थव्यवस्था में आगे चल के ईमानदारी, भ्रष्टाचार मुक्त देश चलाना शायद इतना सरल नहीं होगा। हमने आपके पिछली सरकार के राज्य में देखा किस प्रकार से एक के बाद एक भ्रष्टाचार के किस्से सामने आते थे, और मैं समझता हूं जिस प्रकार की पारदर्शिता और ईमानदारी से सरकार ने एक एक कदम लिया काले धन को खत्म करने के लिए, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने के लिए, उसका आज पूरा देश सराहना करता है। इन तकलीफों के बावजूद मैं कहता हूं कि अगर आपने परिवर्तन की बात की तो परिवर्तन का कोई लक्ष्य होना चाहिए ना। आप रोजाना अपने लक्ष्य बदलते हैं, इस एक महीने में 25 बार तो कानून बदल चुके हैं, तो लक्ष्य ही आपको पता नहीं। पहले आपने कहा कि 15 लाख करोड़ में कई करोड़ रुपए नहीं आएंगे, सारे काले धन वाले पकड़े जाएंगे। आपने तो कितने रास्ते, आप बोल रहे हैं आप काले धन वालों को पकड़ना चाहते हैं। तीन स्कीम आपने निकाल दी कि आज काले धन वाला आसानी से अपना पैसा काले से सफेद कर ले रहा है, और जो आम आदमी है, कानून निकला कि 24,000 रुपया बैंक से निकल सकता है। मैं पड़रौना कुशीनगर की आपने बात की, आज की रिपोर्ट देता हूं कि 23 ATM है कुशीनगर पड़रौना में, जो शहर जो मुख्यालय है, 23 ATM में 3 ATM चल रहे हैं और 20 ATM जो है सरकारी बैंकों के, एक भी ATM में पैसा नहीं है। तो ये कुशासन, ये किस टाइप का कुशासन है, किस तरह की तकलीफ लोगों को आ रही है। दिल्ली में लोगों के पास कार्ड हो सकता है, प्रधानमंत्री जी तो ये भी कहा कि आजकल भिखारी भी कार्ड लेके चलते हैं, पर भाई हम तो भिखारी से भी खराब हमारे इलाका उत्तर प्रदेश के लोग हैं, क्योंकि कार्ड वहां नहीं चला पास आते हैं। तो मैं परिवर्तन की बात नहीं कर रहा हूं पीयूष जी, जो आपका लक्ष्य है, आपने पहले लक्ष्य कहा कि ये लक्ष्य था कि पैसा नहीं आएगा, अब पैसा आ गया, अब आप बोल रहे हैं मेन स्ट्रीम में आ जाएगा। आज आप खोल दीजिए कि पैसे निकालने की रास्ता, पूरा नोट पार दीजिए, जितना पैसा गया है उससे तेजी से वो पैसा फिर से वहां से निकलेगा। साहब आप तैयार हैं? यही सवाल कर रहा था, आप ये कह रहे हैं कि फॉर्म में किस तरह से पैसा आएंगे, क्रेडिट कार्ड से आएंगे या चेक से आएंगे या कैश से आएंगे, आप ये क्यों नहीं कहते हैं कि कॉर्पोरेट आखिर क्यों पैसा देगा पॉलिटिकल पार्टी को, क्विड प्रो क्वो होता है। अगर आपके पास 11 लाख कार्ड सुन लीजिए, क्योंकि कॉर्पोरेट को वो समझते हैं सब बेईमान और कॉर्पोरेट का पैसा सब ईमानदार है, को भी एक पूरा अधिकार है। आप खदान के मंत्री हैं, खदान मालिक आपको क्यों पैसा देगा? आप अगर जनता की काम कर रहे हैं, आदत बदल रहे हैं लोगों का, तो आप अपनी पार्टी का, हमारे पार्टी का क्यों नहीं आदत बदलेंगे? सवाल सुनिए ना, अंडर कंपल्शन आम राय बनाने की, पीयूष जी ने बोला आम राय हो, देश में बहस हो, तो मैं पूछ रहा हूँ कि हर पॉलिटिकल डोनेशन को 58,000-59,000 रुपए जितनी भी हो पब्लिकली डिक्लेयर करने के लिए CPM तैयार है कि नहीं? हमारे यहाँ पूरा फॉरेस्ट हाथ है, जो 58,000-59,000 का बक्सा फेंकते अलग बात है, लेकिन एक रुपए से ऊपर जो भी होता है उसका कूपन कटता है, उसका चंदा का बिल होता है, और वो उसको आप पब्लिकली डिक्लेयर करने को तैयार है? क्योंकि हम 20,000 से चंदा कितना ही लेते हैं, कौन देने वाला है? अब हम यहाँ पे जो मौजूद लोग हैं उनसे पूछते, मैं चाहूंगा कि एक छोटा सा ओपिनियन पोल हो जाए, हम एक आम बहस, उन्होंने कहा कि एक राय बने लोगों की, तो मैं जानना चाहता हूं आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं कि 19,000 रुपए से कम भी जो भी पॉलिटिकल डोनेशन हो, अगर भिखारी फर्ज कीजिए आजकल मशीन लगा के पैसा ले रहा है, तो पॉलिटिकल पार्टीज को भी ऐसे ही करना चाहिए, कितने लोग इसको मानते हैं? अपना हाथ ऊपर कीजिए।
अच्छा कितने लोग इसके खिलाफ हैं ये लोग बोलिए जरा, कितने लोग को आप देखिए? 11 करोड़ बीजेपी के मेंबर आपके पास जाके चंदा लेते हैं 5 रुपए या 10 रुपए या 20 रुपए। अरे एक सेकंड सलीम साहब मेरा ओपिनियन बोलना, एक सेकंड, कितने लोग हैं खिलाफ इसके कि ऐसा नहीं होना चाहिए, पार्टीज को इजाजत होनी चाहिए कि वो जैसे मर्जी जिससे चाहे पैसा ले लें, कोई है ऐसा? सर एक भी खिलाफ नहीं, आपने बोला बहस शुरू की जाए तो बहस हमने शुरू कर दी। लेकिन देखिएगा आपने नोटबंदी से पहले लोगों से पूछा नहीं था, आपने कर दिया क्योंकि आपको लगा ये ठीक है। अगर आप वाकई में देश की सोच रहे तो आप ये भी मानिए कि ये भी ठीक है और ये भी कर दीजिए आप। अच्छा सुझाव, अच्छा इस पे हम पूरा, अब तक आपको ये सुझाव नहीं मिला किसी से? इस विषय में चर्चा ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन के साथ चल रही है, हर एक पार्टी की राय इलेक्शन कमीशन ने मांगी है और मुझे लगता है इस पे इलेक्शन कमीशन ऑलरेडी कुछ गौर कर रहा है। पर आपको लगता है कि इस दिशा में बढ़ने की जरूरत है? एक अहम बात है, इसके लिए एक जोरदार तालियां हो जाए, क्योंकि हम इनको ये वादा याद दिलाते रहेंगे और ये सबको याद रखना भी बहुत जरूरी है कि अगर भिखारी भी पैसा आजकल मशीन से लेता है तो ये अनिवार्य है कि नेता भी पैसा मशीन से ही ले। ये जो कैश में पैसा लेने का जो सिलसिला बहुत सालों से चल रहा है उसको बंद करने का वक्त आ गया। फारूक साहब क्या, अगर कोई माइक लेके आ जाए, मैं एक तरफ, एक सेकंड एनसी से भी पूछ लूँ कि सर आपके हिसाब से भी कश्मीर में अगर ये होता है तो आप तैयार होंगे कि नहीं? फारूक साहब देखिए, पहले तो मैं माफी मांगता हूँ ये कहने के लिए कि इलेक्शन जो लड़ा जाता है वो काले धन से ही लड़ा जाता है और आगे भी उसी धन से लड़ा जाएगा। सारी पार्टियां यही करती हैं फारूक साहब। मैं आपको बताऊं, मुझे ये बताइए कि एक गरीब आदमी खड़ा हो जाता है इलेक्शन के लिए, आज पार्लियामेंट्री इलेक्शन के लिए उसको खड़ा होना है, 10 करोड़ से कम नहीं चाहिए उसको। ये पार्टी के बड़े प्रेसिडेंट हैं, एक बहुत बड़ी पार्टी के मेंबर हैं, नेता हैं। ये जो जहाज उड़ते हैं, इनके हेलीकॉप्टर उड़ते हैं उस जमाने में, और फिर वो जो लोगों की गाड़ियां चलती हैं, वर्कर्स को खाना खिलाना पड़ता है, ये कहां से आता है? किसी ने पूछा? एक दिन वो पार्लियामेंट में घुसते हैं, कपड़े गंदे होते हैं, एक साल के बाद आप देखते हैं क्या सूट लगा हुआ है, ये कहां से आया? कोई पूछता है? ये देशवासी यहां बैठे हैं, किसी ने पूछा किसी से? एम्बेसडर कार से फॉर्चुना आ जाती है। भाई हिंदुस्तान को बदलाना है तो सोच के बदलना। मैं पूछ जी आपसे सिर्फ ये कहूंगा, बदलाना है तो सोच के बदलाना है। आप लोगों ने फॉरेन करेंसी बदला दी थी, बदल जाएगी। अब मुझे यह बताइए, मैं उस प्रांत से आता हूं जो पहाड़ी प्रांत, वहां वो पहाड़ों पे रहते हैं, जिनने कभी एटीएम नहीं देखा है, बैंक का दरवाजा नहीं देखा है, वो कार्ड नहीं देखा है, वो बेचारे पैसा जो है बंडल बना के रखते हैं और उसी से वो खरीदते हैं, उसी से वो लेते हैं, वही लेते हैं। आप बताइए मुझे, आपने उनको ट्रेड दे दी, इस दिन तक आप बदला सकते हो? वो बेचारा पहाड़ पे, उसको खबर ही नहीं, जब वो बैंक पे पहुंचेगा, जब पहुंचेगा तो उसे वो कहेगा तेरा अकाउंट है या नहीं है, मारा गया। इसलिए प्यूची इसमें मैं आपसे गुजारिश ये करता हूं कि अल्लाह के वास्ते आगे अगर आप ऐसे डिसीजन लें तो जरा थोड़ी सा समय भी दीजिए लोगों को समझने का। चलिए मैं चाहूंगा एक जोरदार तालियां फारूक अब्दुल्ला साहब के लिए हो जाएं कि उन्होंने हिम्मत को भी वो कहने की जो देश का हर वोटर मानता है और जानता है लेकिन कोई नेता कहता नहीं। नहीं एक मिनट राहुल जी, लेकिन इनकी बात में थोड़ा और गौर किया जाए, अगर देश में बदलाव लाना है तो बदलाव से ही देश की प्रगति भी होगी। अगर हम सोचे कि हम बैठे रहे तो कोई देश की प्रगति नहीं होगी। कहता कि मत करिए बदलाव। आखिर एक पहल की, चेक से डोनेशन लेने की अरुण जेटली जी ने शुरुआत हुई, आना शुरू। आज राहुल कंवर जी ने एक सुझाव दिया, उससे एक और बदलाव आएगा। मैं समझता हूँ बदलाव ही, परिवर्तन ही जीवन का नियम है, और अगर हम सब बदलाव को इग्नोर करें और बदलाव से दूर परे भागे तो मुझे लगता है कभी भी देश की भी प्रगति नहीं होगी, देश की जनता की भी। एक तरीके से गांव में भी जो लोग रहते हैं, पहाड़ पे भी रहते हैं, क्या उनको लाभ नहीं मिलना चाहिए बैंकिंग की सुविधाओं का? क्या उनको सस्ते दर पे लोन नहीं मिलना चाहिए? क्या उनका जो पैसा इन्होंने कहा वो बंडल उठा के रखते हैं उसको बैंक में डाल के उनको ब्याज का फायदा नहीं मिलना चाहिए? तो मेरे ख्याल से ये तकलीफें तो हैं, लेकिन तकलीफों में से ही आगे चल के, इस बदलाव में से ही आगे चल के फायदा भी जनता का ही होगा, इसलिए छोटे समय की कठिनाई जनता एक्सेप्ट करने को तैयार। पीयूष जी मैं एक और चीज आपसे ये कहना चाहता हूं, अब आप कहते हैं ना कि जो चंदा आएगा पार्टीज को वो चेक से आएगा, और मैं आपको ये भी बता दूं भारत में अभी भी वो सुधार नहीं आया है कि जहां जो पॉलिटिकल पार्टी पावर में आती है
वो दूसरी पार्टी को दबाने के लिए हर कोई कोशिश करती है। और हाल ये है कि जो चंदा देगा बाय चेक, उस पे फिर अल्लाह नजात दे कौन से कानून लगाए जाएंगे, क्या क्या इन्वेस्टिगेशंस की जाएंगी। इसलिए वो चंदा जो है चेक से आएगा, कब आएगा, मेरे मरने के बाद। ये आपका अनुभव होगा, पुरानी सरकारों का होगा, पर हमारी सरकार में ना किसी के ऊपर विंडिक्टिव एक्शन हुआ है, ना इस प्रकार का किसी को भी कहा। मैं उसी पे बोलना चाहता हूं, दूसरी पार्टी को देना या नहीं देना। और अगर यही सिर्फ इतना ही मूल विषय है आपका, तो आजकल कई इलेक्टोरल ट्रस्ट ऐसे भी उभरी है जहां पे एक प्रकार से आप डोनेट कर सकते हैं और वो आगे चल के पॉलिटिकल पार्टीज को देती है, तो ये भी कोई सत्तादूर पार्टी या दूसरी पार्टी के बीच में भेदभाव की जगह। मैं ये कहना चाहता हूँ, इलेक्शन कमीशन में चंदा दे, सलीम साहब बड़ा चंदा जो है इलेक्शन कमीशन को दे और वो कैंडिडेट को खर्च के लिए जो कुछ होता है। सलीम साहब, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा ये मानना है कि अगर वाकई में देश में करप्शन को कम होना है तो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स बहुत अहम है। चुनाव किस तरीके से लड़े जाते हैं, किस पैसे से लड़े जा रहे हैं, किसके पैसे से लड़े जाते हैं, ये बहुत अहम है। और हम उम्मीद करते हैं कि आज तक का एजेंडा ही वो मंच बने जहां से इस बहस की शुरुआत हो और आप उसको अंजाम तक लें। आपके हिसाब से पीयूष, क्योंकि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट भी रहे हैं, आंकड़ों को समझते हैं, लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में तो कहा गया कि जीडीपी को इम्पैक्ट होगा, लॉन्ग टर्म में डीमोनेटाइजेशन के इकोनॉमिक फायदे आप क्या देंगे? आई थिंक 5-6 फायदे एकदम स्पष्ट दिखते हैं। एक तो जितना ज्यादा इकोनॉमी फॉर्मल इकोनॉमी में आती है, बैंकिंग ट्रांजैक्शंस बढ़ते हैं बजाय के कैश, तो उतना ज्यादा एक तो हर एक व्यापारी को सामान्य अवसर मिलेंगे, देयर बी इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। और जो एक देखा जाता है कि आस्ते आस्ते दो चार लोग जैसे बिजली की चोरी करते हैं, बाकी 96-95 को उसका भुगतान करना पड़ता है, ऐसे ही व्यापार में भी दो चार लोग कर की टैक्स की सेविंग्स करने के चक्कर में पूरे व्यापार को बिगाड़ते हैं। और इसके कई उदाहरण हैं जहां पे एक ईमानदार व्यापार भी आस्ते आस्ते बिगड़ता जाता है जब वो फॉर्मल इकोनॉमी से दूर जाता है। दूसरा, मैंने आपको अनऑर्गेनाइज लेबर का तो बताया ही कि उनको सम्मान मिले, सम्मान का जीवन मिले, पूरे वेजेस मिले। तीसरा, जैसे टैक्स स्ट्रक्चर सब लोग फॉर्मल इकोनॉमी में ज्यादा आते हैं तो टैक्स कलेक्शन बढ़ता है, उससे टैक्स रेट स्लो हो सकते हैं, एंड देन द लैफे कर्व्स सेट्स इन कि जितना आप टैक्स रेट्स को कम कर पाओ उतना ज्यादा आपकी टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन और बढ़ती है और कंप्लायंस सुधरने का भी लोगों को मौका मिलता है। चौथी बात, जैसे जैसे काला बाजारी कम होती है और चीजें बिल के साथ ही बिकती हैं, फॉर्मली बिकती है, लीगल बिकती हैं, तो महंगाई भी कम होती है। उससे स्वाभाविक है कि जब होल्डिंग कम हो और कैश से होल्डिंग की जाती है, कोई बैंक के पैसे से तो होल्डिंग होती नहीं है, तो जब होल्डिंग कम होती है तो महंगाई पे भी उसका असर पड़ेगा। जब महंगाई कम होगी तो ब्याज के दर, तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, स्पाइरलिंग इकोनॉमिक इंपैक्ट बहुत। मेरा सवाल ये है कि भ्रष्टाचार में एक डिमांड और सप्लाई की इकोनॉमी अपनी खुद की होती है। आपने अभी अटैक किया सप्लाई इकोनॉमी को, आपने कोशिश की कि फेक करेंसीज की सप्लाई बंद हो, टेररिज्म के पास करेंसी कम हो, नक्सलियों के पास कम हो, लेकिन जो डिमांड है कि जो भ्रष्ट बाबू है जो पैसा मांगता है जिसकी वजह से नियम तोड़ने पड़ते हैं, भ्रष्टाचार करना पड़ता है, आपने अभी डिमांड इकोनॉमी पे तो कुछ किया नहीं है। बाबू क्या गारंटी है अभी वो पैसा नहीं ले रहा है? एक बहुत सीनियर पॉलिटिशियन यहाँ पे कल आए थे तो उन्होंने खाने के दौरान हम लोगों को बताया कि अभी बाबू कह रहा है अभी तो मैं कर रहा हूं बाद में देखेंगे, तो मतलब काम रुका हुआ है और कह रहे हैं बाद, दो महीने बाद चीजें जस की तस हो गई। तो दुर्भाग्य ये है कि अभी तक हमारे लोगों में ये व्यवहार का सिलसिला चल रहा है कि हमें कैश देना पड़ेगा या रिश्वत देनी पड़ेगी। आप अगर हमारी सरकार के अलग अलग निर्णय देखें, चाहे वो स्पेक्ट्रम का ऑक्शन हो, कोयले के ब्लॉक्स की नीलामी हो, जो सरल तो बड़े स्तर पे है, मैं नीचे के स्तर पे पूछ रहा हूं। नहीं, तो ऊपर से ऊपर के स्तर से जब ईमानदारी आती है तो उसका प्रभाव नीचे भी जाता है और पूरे देश में इसका प्रभाव होता है। जैसे जैसे सरल होते जा रहे हैं कानून व्यवस्था और कानून के अलग अलग प्रावधान, वैसे वैसे भ्रष्टाचार देने की आवश्यकता खत्म होते जा रही। जैसे इतने वर्षों में 65-68 वर्षों तक कोयले की शॉर्टेज रहती थी, कोयले की शॉर्टेज में ब्लैक मार्केटिंग होती थी या कोयले की चोरी होती थी, आज किधर आपको कोई कोयले की ब्लैक मार्केटिंग की कोई खबर नहीं आएगी। हमने शॉर्टेज की इकोनॉमी को सरप्लस की इकोनॉमी में कन्वर्ट कर दिया। इसी प्रकार से अलग अलग चीजों में स्पेक्ट्रम ऑलवेज शॉर्ट सप्लाई में रहता था, कोशिश होती थी कि अपने दोस्तों को या दोस्तों की कंपनियों को दी जाए, हमने उसको भी पारदर्शिता से नीलामी से दिया
तो आज स्पेक्ट्रम पर्याप्त है, कोई टेलीकॉम कंपनी नहीं रो रही है कि स्पेक्ट्रम की हमें कमी है। एक एक चीज में जैसे जैसे आप पारदर्शिता बढ़ाओगे, प्रोक्योरमेंट के प्रोसेसेस को ट्रांसपेरेंट करोगे और सामान्य अवसर समाज में व्यापार में हरेक को मिलेंगे, तो रिश्वत देने की आवश्यकता ही खत्म। आरपीएन सवाल का जवाब, क्योंकि ये सारी चीजें तो आपकी सरकार को करनी चाहिए। रखा जाए कि लोग जो मांगते हैं उनके आरपीएन आप जवाब दीजिए, क्योंकि पीयूष का कहना है कि ये सारी चीजें अगर आपकी सरकार के दौरान हो जाती तो शायद भ्रष्टाचार का स्तर वो ना होता जो कि हिंदुस्तान में है। उनका कहना है कि जैसे जैसे ऑक्शन ट्रांसपेरेंट हो रहे हैं वैसे वैसे खुद ब खुद करप्शन की डिमांड सप्लाई इकोनॉमी चेंज होगी। देखिए, भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए कितने कानून हमने बनाए और कितने कदम उठाए उसको मैं दोहराना नहीं चाहता हूं, और कितने कानून उन्होंने पास नहीं होने देने, पर ये कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं। मैं उससे कहना चाहता हूं, भ्रष्टाचार की आज बात हो रही है, आज एक महीना भी नहीं हुआ नोटबंदी का, तो आप देखते हैं, मैं ये नहीं कहता हूं कि बीजेपी नेताओं के यहां ही मिल रहा है, तमाम लोगों के यहां नोट पकड़ा जा रहा है, किसी के यहां 23 करोड़ किसी के नहीं सॉरी सॉरी 23 लाख 25 लाख बेंगलोर में कहीं 4 करोड़ रुपए नए नोटों में एक महीने में मिल रहे हैं। तो कौन से ये जो नोटबंदी का व्यवस्था था, आपने काला धन वालों को रास्ते कितने रास्ते दे दिए हैं। पहले आपने वॉलंटरी डिस्क्लोजर स्कीम लाई, इसके बाद इसमें भी जो आपने बोला नोटबंदी में 50%, तो जो काला धन हो रहा जा रहा था उनको आपने इतना सरल रास्ता दे दिया, उन पे आपने कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की, कोई क्रिमिनल कार्रवाई नहीं की, तो लोग समझते हैं कि भाई ये क्या है, काला धन को सफेद कर लो फिर बना लेंगे, 50% घाटा होगा, फिर ये सरकार कोई रास्ता निकालेगी, फिर से हम काले को सफेद बना देंगे। इन्होंने इतने रास्ते दे दिए जब से 2.5 साल में